आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तराखंड की रेटिंग में हुआ सुधार, सीएम धामी ने दी बधाई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बेटे की मौत पर मां ने सरकार से की मार्मिक अपील, हत्या का लगाया आरोप। रामनगर के सीआईएसएफ में तैनात जवान की गोली लगने से हुई दर्दनाक मौत, सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। शपथ लेने जा रहे नव निर्वाचित प्रधान की कार के ऊपर गिरा बोल्डर, हुई मौत, अन्य 3 घायल। मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर चिकित्सालय में मरीजों को वितरित किए फल। केंद्र द्वारा प्रदेश के स्टार्टअप को लेकर जारी की गई राज्यों के रैंकिंग में उत्तराखंड की रेटिंग में सुधार हुआ है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य को अभी अभी स्टार्टअप के क्षेत्र में और अधिक बेहतर काम करना है। उन्होंने कहा इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के क्षेत्र में राज्यों की रेटिंग जारी की है, जिसमें उत्तराखंड का प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा है। केंद्र द्वारा जारी की गई इस रेटिंग में उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि स्टार्टअप को लेकर लीड कर रहे हैं। उत्तराखंड स्टार्टअप रेटिंग में हुए सुधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टार्टअप के क्षेत्र में लगे अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मसूरी के उपजिला चिकित्सालय में पहुंचकर मरीजों का हाल जाना और फल वितरित किए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने को कहा। ये निश्चित ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिनका जन्म 1901 में हुआ था, आज 121वीं जयंती उनकी यहाँ पर भाजपा मसूरी मंडल द्वारा जो है मनाई जा रही है, और निश्चित ही उनके जो योगदान रहा, जहाँ राष्ट्रवाद की बात रही, देश को प्रथम में माना उन्होंने कि देश की जो रक्षा है, सुरक्षा है, वो हमारी जो है पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, दूसरी पार्टी और तीसरे हम अपने आप हैं। तो जो एक उनका संदेश था, सपना था, जिस तरह से आपने देखा होगा कि 1951 में उनके द्वारा जो है जनसंघ की स्थापना की गई, वो संस्थापक अध्यक्ष रहे, उसमें वहाँ पर महामंत्री पंडित दीनदयाल जी थे उनके द्वारा। उसके बाद आपने देखा होगा जिस तरह से नेहरू कैबिनेट में उनको जो है उद्योग मंत्री का दर्जा दिया गया, लेकिन लियाकत नेहरू पैक्ट में उनसे जो बातें थी वो उससे सहमत नहीं थे, उनके द्वारा जो है इस्तीफा दिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि उनका जो सपना था, जहाँ पर उन्होंने कहा कि एक देश में एक विधान, एक निशान और एक संविधान होना चाहिए, जो कि कश्मीर में नहीं था, उसके बाद उन्होंने उसका जो है बेड़ा उठाया। और निश्चित ही जब वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने गए तो आपने देखा होगा 1953 में जिस संदिग्ध हालत में उनकी जो है वहाँ मृत्यु हुई है, उसको आज तक पता नहीं लग पाया। तो हम मानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस देश की इस तरक्की में, और वहीं आज वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आपने जिस तरह देखा हो 370 और 35(1) को हटाकर आज उनके सपने को पूरा किया गया। मैं मानता हूं कि दिवंगत आत्मा जहां पर भी होगी आज बहुत प्रसन्न होगी कि उनका एक देश का सपूत, जिस जो उनकी तमन्ना थी, जो उनका सपना था, उसको पूरा किया। और मैं मानता हूं कि आज जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि 1980 में स्थापित हुई, आज उन्हीं के पदचिन्हों पर आगे चल रही है, जिसमें देश की सुरक्षा, देश पहले है, फिर पार्टी है, फिर हम अपना आप हैं। तो मुझे लगता है हर कार्यकर्ता इसी सपने को पूरा कर रहा है, यही जो है मूल उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का। एक मां जिसने केदारनाथ यात्रा के दौरान अपने 5 साल के मासूम को खो दिया है, जिसकी कंडी से गिरने से मौत हो गई। बच्चे की मां ने शासन प्रशासन से जहां कंडी संचालन बंद करने की मांग की है, वहीं न्याय की गुहार भी लगाई है। दरअसल बीते दिन केदारनाथ पैदल मार्ग पर कंडी में बैठकर केदारनाथ धाम जा रहे 5 साल के बच्चे की खाई में गिरने से मौत हो गई थी। आपको बता दें कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर कंडी से किसी के खाई में गिरने का ये पहला मामला सामने आया है। वहीं कंडी ले जाने वाला नेपाली मूल का बताया जा रहा है, जो कि घटना के बाद से फरार है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला ये 5 वर्षीय बच्चा अपने परिवार के साथ केदारनाथ की यात्रा पर गया था। आगरा के इस परिवार ने गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बच्चे शिवा को धाम तक पहुंचाने के लिए कंडी से पहुंचाने वाले मजदूर की व्यवस्था की थी। वहीं परिवार के बाकी सदस्य घोड़े खच्चर के जरिए केदारनाथ जा रहे थे। इसी बीच केदारनाथ मार्ग पर कंडी में सवार बच्चा 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जहां चोट लगने से बच्चे की मौत हो गई। वहीं बच्चे के खाई में गिरने के बाद नेपाली मूल का कंडी संचालक मौके से फरार हो गया था। आसपास के लोगों ने बच्चे को खाई में गिरा देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने पहाड़ टीवी से बात करते हुए बताया कि पुलिस अब नेपाली मूल के उस व्यक्ति की खोज में जुटी है, जल्द ही उसे ढूंढ लिया जाएगा। नेक्स्ट। मैं रितु गुप्ता, शिवाय की मम्मी। हमने गौरीकुंड से यात्रा शुरू की 1 बजे। हम गौरीकुंड से
चलते रहे। फिर गौरीकुंड से हमने घोड़ा लिया, मैं और शिवाय दोनों घोड़े पर बैठ गए। घोड़े वाले ने हमको भीमपल्ली पर छोड़ दिया। भीमपल्ली पर छोड़ के उतर गए। काफ़ी देर हमने शिवाय ने और मैंने उसकी जीजी का और पापा का इंतज़ार किया, मैं अभी आ रहे होंगे, लेकिन वो नहीं आए काफ़ी देर तक। फिर मैं और शिवाय ने दोनों पुल पार किए, सीढ़ियों पे पहुंच गए। सीढ़ियों पे पहुंच के एक चोटी वाला था, वो पूरी बार बार पीछे पीछे आ रहा था। वो कह रहा था कि आप कर लो, टोकरी में बिठा लो शिवाय को, बच्चे को टोकरी में बिठा लो। मैं उसको मना किया, बोला नहीं मैडम बिठा लो बच्चे को। फिर मैं आगे चली, फिर वो मेरे पीछे पीछे भी आया, बोला कि मैं 3,000 लूँगा। मैं उसको सिर्फ 1,500 रुपये बोले, वो नहीं चला। थोड़ी देर और मैं आगे चली, वो पीछे पीछे चलता ही रहा मेरे। फिर आगे जाके एक ऊपर से आ रहा था, उसने बोला मैं 2,400 लूँगा। मैं 2,000 बोल दिए उससे, तो वो तैयार भी होगा एक बार में कि हाँ ठीक है बिठा दो। मैंने मेरे दोनों बैग और लाला को बिठा दिया उसके पास। फिर मैं उसको बोला भी था, मैं भैया साथ साथ चलना, नहीं तो ये बहुत रोएगा। ठीक है साथ साथ चलूँगा तुम्हारी। चलते रहे, मुश्किल से 20 से 25 मिनट ही चले हम साथ में, और 2 मिनट का फासला हुआ, मेरी नज़र चूकी और वो पता नहीं कहाँ लेके चला गया चोरे को, मुझे नहीं दिखा वो। हमें लाला की बॉडी मिली। फिर मैंने आरपीएफ वालों से पूछा, मैं ये आपको कहाँ मिला लाला? तो उन्होंने बताया कि छोटी लिंचोली से ऊपर थोड़ा सा ऊपर 200 फीट नीचे था, वहाँ से निकाला है हम लोगों ने। फिर हम उसको नीचे हॉस्पिटल में भेज दिया, इसको नीचे हॉस्पिटल में ले जाओ। हॉस्पिटल वालों से उसके पापा ने फिर से रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आप इसको एक बार और चेक कर लो, हो सकता है इसको कुछ हो, सही हो जाए। उन्होंने चेक किया, मना कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर हम पुलिस थाने में गए सुबह, वहाँ पर भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा ठीक है। आगे जाके जब हम लौट के आ रहे थे वहाँ से एम्बुलेंस के लिए, जब लालों को एम्बुलेंस की भेज दिया, तो बीच में कुछ बस टोकरी वाले खड़े हुए थे। शिवाय के पापा ने कहा कि तुम सबको देखते हुए चलना कि कहीं इसमें वो बंदा तो नहीं जिसने लाला को तुमने बिठाला था। तो वो देखते हुए जा रहे थे, एक बंदा मास्क लगा के खड़ा हुआ था, मुझे देखने में लगा जैसे वो ही जिसको रात में मैंने लाला दिया था। मैंने उसका मास्क निकाला तो बोला कि क्या हुआ मैडम? तो मैंने बोला मैं उस बारी वाले को ढूंढ रही हूँ। तो वो बोला कि नहीं मुझे पता है, कल एक लड़के को फेंक दिया ऊपर से। मैंने बोला मैं भैया जब तुम्हें पता है कि किसने फेंका है तो बता दो। तो वो हंसा और चला गया वहाँ से, उसने नहीं बताया कुछ भी इसलिए। और हम एम्बुलेंस की तरफ आ गए क्योंकि एम्बुलेंस में शिवाय की बॉडी रखी थी। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं उत्तराखंड की सरकार से निवेदन करूँगी कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, मुझे न्याय चाहिए मेरे बेटे को न्याय। जैसे जो भी टोकरी वाले हैं उन पर या तो रोक लगा दो या उनको ऐसा सबक सिखाओ कि वो आगे किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना करें। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम ढेला निवासी 30 वर्षीय दीपक अधिकारी, जो कि CISF में काठमांडू में भारतीय दूतावास में जवान के पद पर तैनात थे, बताया जा रहा है कि 3 दिन पूर्व उनकी गोली लगने से दर्दनाक मौत हो गई। जवान की मौत की सूचना दूतावास के अधिकारियों ने दूरभाष पर परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार की देर रात मृतक जवान का पार्थिव शरीर सेना के जवान उनके आवास लेकर पहुंचे। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार की सुबह जवान के शव को दूतावास से आए जवानों ने तिरंगे में लपेटकर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई थी। मैं सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार NHPC बनवासा में सेवारत हूं। मुझे आदेश मिला कि आपको दिनांक 5 तारीख को जाकर के जो हमारे साथी थे उनका देहांत हो गया था, तो उनको सम्मान गार्ड में आपको सम्मान देना है। तो मैं आदेश प्राप्त करके और कल के डेट में यहाँ पे पहुँच गया था, और किसी कारण से कल जो है हो नहीं पाया, तो आज जो है सुबह हमने उनको सम्मान मानसून आते ही पूरे प्रदेश के साथ ही विकासखंड मुनस्यारी में भी हर रोज भारी से भारी बारिश हो रही है, जिसमें थल मुनस्यारी मुख्य मोटर मार्ग पर मुनस्यारी की ओर आ रहा सामानों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर हनुमान मंदिर के समीप सड़क से नीचे उतर गया। गरिमत रही कि वाहन पलटने से बाल बाल बच गया। वहीं पिकअप वाहन के रोड से नीचे उतरने से वाहन में सवार लोगों की जान आफत में फंस गई।
अगलाट थत्यूड़ मोटर मार्ग पर गरखेत के समीप टाटा इंडिगो कार के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की दबने से मृत्यु हो गई और अन्य तीन लोग घायल हैं। जौनपुर ब्लॉक के गरखेत से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी से आई भारी बोल्डर पत्थर की चपेट में आने से टाटा इंडिगो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके चलते नव निर्वाचित प्रधान की घटनास्थल पर मौत हो गई और अन्य तीन लोग घायल हो गए। इधर कावड़ यात्रा को लेकर SDM युक्ता मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। कोतवाली परिसर में हुई बैठक में SDM के साथ पुलिस क्षेत्र अधिकारी डोईवाला अनिल शर्मा, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मैनवाल के साथ क्षेत्र के विभिन्न समुदाय के लोग मौजूद थे। SDM युक्ता मिश्रा और पुलिस क्षेत्र अधिकारी अनिल शर्मा ने बैठक में मौजूद लोगों से ईद और कावड़ यात्रा पर आपसी सौहार्द का परिचय देते हुए एक दूसरे का सहयोग करने की अपील की। अली डोईवाला में CO साहब की उपस्थिति में, SHO साहब की उपस्थिति में एक अमन कमेटी, पीस कमेटी की बैठक की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 10 तारीख को बकरीद का त्यौहार है और उसके बाद कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, तो चूंकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से पिछले 2 सालों में ईद भी उस स्तर पर नहीं मनाई गई थी और कावड़ यात्रा भी नहीं हुई थी, तो लोगों के बीच सद्भाव रहे, लोग नियमों का पालन करें और आपस में सौहार्द बनाए रखें, इस विषय पे बातचीत के लिए बैठक आयोजित की गई है। उसी से संबंधित लोगों से वार्ता की गई है, उनसे की से जानकारी ली गई है और उनको निर्देश दिए गए। स्थान चिन्हित है, उसके अलावा घरों पर उसको तरीके से करने के लिए निर्देशित किया गया कि विदित है कि कुछ ही दिनों में भी ईद का त्यौहार है और आगे कांवड़ की यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो उस संबंध में हमने अपने क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकों, सभी संप्रदाय और सभी क्षेत्रों से लोगों को आमंत्रित किया था कि अपने विचार रखें और हम लोग जिस कार्यप्रणाली से काम करते हैं उनको बताएं। तो उसमें यही तय हुआ है कि सब अपना सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी ईद मनाएंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क भी लगाएंगे और परंपरागत रूप से जैसे भी ईद मनती है उसी तरह उसको मनाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई संवैधानिक या सामाजिक कार्य या कोई कानून के विरुद्ध जाके कोई काम करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। यात्रा जैसे कि विदित है, 2 सालों से कांवड़ यात्रा प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाई है, तो इस बार उम्मीद है कि ज़्यादा कांवड़ यात्रियों के आने की संभावना है। तो अगर ऐसा लगेगा कि रूट डाइवर्ट करने की ज़रूरत पड़ी है तो इसको भी किया जाएगा और उसके लिए पूरी तरह से पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक भाईचारे का प्रतीक भी है और आने वाली 10 तारीख को हमारा ईद का त्यौहार भी है। मेरी सबसे पहले तो अपील अपने मुस्लिम भाइयों से है कि वो जो भी अपनी कुर्बानी करें या जो भी अपने त्यौहार को मनाएं, कुर्बानी को अपनी पर्दे में रह करके करें, दायरे में, इससे जो है किसी की भावनाओं को आघात ना पहुँचे, उसका पर्दा जरूरी है। और जो भी वेस्टेज जो मटेरियल आपका होगा उसे गड्ढे में जरूर दबाएं। जी जी बिल्कुल, मैं इसमें पूर्णतः सहमत हूँ कि जो कांवड़ यात्री जो चल रहे हैं वो भी अपने एक शांतिपूर्ण तरीके से जो अपनी यात्रा को कर रहे हैं वो अपनी यात्रा को मंगलमय करें और पूरे अच्छे तरीके से। आज डोईवाला थाना में ईद और कांवड़ को लेकर के जो बैठक की गई, ये बहुत ही उपयोगी बैठक है और जो एक यहाँ पर हम लोगों का आपसी सौहार्दपूर्ण रहता है और हम लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरों के त्यौहार मनाते हैं, उनके विषय में आज ये बैठक की गई और सभी ने अपने अपने सुझाव रखे और ये भी कहा कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम सभी पालन करेंगे और हम लोगों ने भी सहयोग करने की बात करी है और उन लोगों ने भी, सभी पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखते हुए एक दूसरे को भाईचारा कायम रखने की बातें करी। खिरसू से श्रीनगर की ओर जा रही एक कार जिसमें 3 लोग सवार थे, ग्राम कोटगी गांव के पास लगभग 50 मीटर नीचे खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोगों को हल्की चोटें आई है और एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है। घायलों को पुलिस की मदद से 108 एम्बुलेंस से बेस अस्पताल श्रीनगर भिजवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। माँ गंगा की टहलटी के ऊपर बसाया गया 1000 टन कूड़े का पहाड़ नियम विरुद्ध है, फिर भी प्रशासन मौन धारण किए हुए बैठा है, मानो इंतजार में हो कि कब बरसात आए, नाले नदी बढ़े और सारा कूड़ा उसी में रात के अंधेरे में उड़ेल दे। NGT, नमामि गंगे, गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे दर्जनों समिति विभाग बने हैं, बजट गबन के लिए है और इनसे जुड़े लोग सिर्फ बजट की बंडरबाट के लिए है, उन्हें इस मामले से कोई मतलब नहीं है। हर रोज हो रही भयंकर बारिश के चलते मुनस्यारी को जोड़ने वाली मुख्य थल मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति दयनीय बनी हुई है, जहां एक सामानों से लदा ट्रक मुनस्यारी की ओर आते समय गिनी बैंड के समीप मलबे में फंस गया, जिसमें ट्रक के फंस जाने से दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक को भी जाम में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गई। मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा इसकी जानकारी BRO ग्रीफ को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे BRO के कर्मचारियों द्वारा तुरंत JCB मशीन की मदद से ट्रक को आगे पास किया गया और बंद पड़ी यातायात को सुचारू रूप से चालू किया गया।
अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के तल्लासल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज नेवल गांव में प्रधानाचार्य उमेश चंद्र पांडे के नेतृत्व में भूमि संरक्षण विभाग रामनगर द्वारा वन महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। इसके अंतर्गत स्कूल परिसर में छात्र छात्राओं शिक्षकों ने भिन्न भिन्न किस्मों के पेड़ लगाए। इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य उमेश चंद्र पांडे ने छात्र छात्राओं को वृक्ष के महत्व के बारे में जानकारी दी। पहाड़ों में बारिश का कहर जारी है। 5 जुलाई की रात जिला उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत कलोगी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ, जिसमें दर्शन देवी का मकान भी इस घटना की चपेट में आ गया, जिससे उनको मकान खाली करना पड़ गया। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।